दोस्तों आईपीएल 2023 का में 15वां मुकाबला में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेले जाने वाला है, तो इस मुकाबले के लिए हमें किस तरह सोच सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11, ये मैच हमें कौन से ग्राउंड पर खेला जाएगा, कितने बजे से खेला जाने वाला है, इस मैच की पिच रिपोर्ट क्या रहने वाली है, हेड टू हेड में किस टीम का पड़ला भारी है, ये मैच हमें कौन सी टीम जीत सकती है, तो ये सभी जानकारी हम आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी आईपीएल के बड़े वाले फैन हो तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे लिया चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। तो फ्रेंड, आपको क्रिकेट और आईपीएल की खबर सबसे पहले पाना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड, वीडियो में बढ़ते आगे। आईपीएल 2023 का में 15वां मुकाबला में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट के बीच खेला जाएगा। यह मैच हमें बेंगलोर के चन्ने स्वामी स्टेडियम में देखने को मिलने वाला है। यह मैच भारतीय समय अनुसार शाम 7:30 बजे से देखने को मिलने वाला है। वही इस मैच की पिच रिपोर्ट के बारे में बात करो तो यह पिच हमें बैटिंग फ्रेंडली देखने को मिलने वाला है। इस मैच में हमें हाई स्कोरिंग देखने को मिलने वाला है। इस पिच पर ज्यादातर पेसर को विकेट देखने को मिलने वाला है। इस मैच की पिच रिपोर्ट, वेस्ट ग्राउंड की एवरेज स्कोर की बात करो तो इस ग्राउंड का एवरेज स्कोर 165 रन है। वेस्ट ग्राउंड पर अब तक आईपीएल के 116 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पहले बैटिंग करते हुए 52 मुकाबले जीते, सेकेंड बल्लेबाजी करते हुए 62 मुकाबले जीते और 2 मुकाबला नो रिजल्ट देखने को मिला है। वही बात करें हेड टू हेड में, आईपीएल के इतिहास में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर वर्सेज लखनऊ सुपर जायंट के बीच अब तक 2 मुकाबले खेले, दोनों मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जीतते हुए नजर आए। हेड टू हेड में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का थोड़ा पड़ला भारी देखने को मिला है। चलो जान लेते हैं हम इस मुकाबले के लिए किस तरह सोच सकती है दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। पहले हम बात करते हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की प्लेइंग 11। ओपनिंग कर सकते हैं विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसी, नंबर 3 पर आएंगे दिनेश कार्तिक, नंबर 4 पर आएंगे ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 5 पर आएंगे माइकल ब्रेसवेल, नंबर 6 पर आएंगे शहबाज अहमद, नंबर 7 पर आएंगे डेविड विली, नंबर 8 पर आएंगे करण शर्मा, नंबर 9 पर आएंगे हर्षल पटेल, नंबर 10 पर आएंगे आकाशदीप, नंबर 11 पर आएंगे मोहम्मद सिराज। ये रहने वाली है रॉयल चैलेंजर बैंगलोर की इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। अब बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट की प्लेइंग 11। ओपनिंग कर सकते हैं केएल राहुल साथ काइल मेयर, नंबर 3 पर आएंगे दीपक हुड्डा, नंबर 4 पर आएंगे कुणाल पांड्या, नंबर 5 पर आएंगे मार्कस ट्वेनेस, नंबर 6 पर आएंगे निकोलस पुरन, नंबर 7 पर आएंगे आयुष बदोनी, नंबर 8 पर आएंगे मार्क हुड, नंबर 9 पर आएंगे रवि बिश्नोई, नंबर 10 पर आएंगे यश ठाकुर, नंबर 11 पर आएंगे आवेश खान। ये रहने वाले लखनऊ सुपर जायंट के लिए इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11। वही इस मैच की टॉस प्रेडिक्शन और मैच प्रेडिक्शन के बारे में बात करो तो इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर टॉस जीतते हुए नजर आएंगे और इस मुकाबले को लखनऊ सुपर जायंट जीतते हुए नजर आने वाले। ये इस मैच की हमारी प्रेडिक्शन, आपको क्या लगता है ये मैच कौन सी टीम जीत सकती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।